वेलकम टू आर्यांश क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अग्रवाल और आज लेकर आए हैं डिटेल आप लोगों के लिए बाफ्टा अवार्ड्स की। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोगों ने जो वीडियो डाला है बैकग्राउंड में वो है 2019 का, जो बाफ्टा कैटेगरी जिस भी बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले हैं उन लोगों को हमने लिया है एज अ वीडियो, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इससे एक थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ। और पूरी लिस्ट जो है वो हमारी अगले वीडियो में है, उसमें पूरा बेस्ट बाफ्टा अवार्ड कैटेगरी का साथ साथ जो नॉमिनेटेड है और जो विनर्स हैं उन सभी के नाम उसमें होंगे। तो देखते रहिए और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश फिल्म अकादमी और टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा की स्थापना 1947 में द ब्रिटिश फिल्म अकादमी के रूप में डेविड लीन, एलेक्जेंडर कोडा, कैरोल रीड, चार्ल्स लाफ्टन, रोजर मैनवेल और अन्य ने की। 1958 में अकादमी ने द गिल्ड ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ मिलकर द सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन बनाया, जो अंततः 1976 में द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का कथित धर्मार्थ उद्देश्य उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने, चिकित्सकों को प्रेरित करने और जनता को लाभ पहुंचाने के द्वारा चलती छवि के कलाकारों के रूप में समर्थन विकास बढ़ावा देना है। हाई प्रोफाइल पुरस्कार समारोह के अलावा बाफ्टा शैक्षणिक घटनाओं का एक साल का कार्यक्रम चलाता है जिसमें फिल्म स्क्रीनिंग और श्रद्धांजलि सभाएं शामिल हैं। बाफ्टा को फिल्म टेलीविजन और वीडियो गेम उद्योगों से लगभग 6,000 लोगों की सदस्यता प्राप्त है। अकादमी के पुरस्कार 1955 में गिल्ड ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के एक कमीशन के जवाब में अमेरिकी मूर्ति मिट्जी क्यूनलिफ द्वारा डिजाइन किए गए एक नाटकीय मुखौटे के रूप में है। प्रायोजन 2012 तक मोबाइल टेलीविजन नेटवर्क ऑरेंज ने पुरस्कारों के प्रायोजित किया। ऑरेंज की मूल कंपनी ईई ने 2013 से इस आयोजन का प्रायोजन संभाला। वार्षिक समारोह 2008 समारोह के लिए स्थान है। यह समारोह पहले अप्रैल या मई में होता था लेकिन अकादमी पुरस्कार से पहले 2001 में फरवरी में आयोजित किया गया। अधिकांशतः पुरस्कार सभी राष्ट्रीयताओं के लिए खुले हैं, हालांकि ब्रिटिश लेखक, निर्माता और निर्देशक द्वारा उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म और उत्कृष्ट डेब्यू के लिए पुरस्कार है। केवल ब्रिटेन के फिल्म द ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म और ब्रिटिश लघु एनिमेशन पुरस्कारों की श्रेणियों के लिए पात्र हैं। पुरस्कार समारोह को उसी शाम आमतौर पर बीबीसी वन पर और पूरे विश्व में ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित करने में देरी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बीबीसी अमेरिका पर दिखाया गया है। 1970 में रंग में प्रसारित किया गया। प्रत्येक वार्षिक समारोह के दौरान बाफ्टा उद्योग में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए रुकता है जो पिछले 12 महीनों में मर चुके हैं। संगीत के साथ छवियों का एक संगठित चित्रण है। संस्थान पुरस्कार समारोह लंदन में आयोजित किया जाता है। 2000 से 2007 तक लीसेस्टर स्क्वायर में प्रमुख ऑडियम सिनेमा में समारोह हुए। 2008 और 2016 के बीच रॉयल ओपेरा हाउस में समारोह हुए। 2017 में 70वां पुरस्कार और उसके बाद का समारोह हुआ रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया। बाफ्टा अवार्ड्स की कैटेगरी कुछ इस तरीके से चुनी जाती है जो कि एक फिक्स्ड कैटेगरी है और उन्हीं कैटेगरी से लोगों को लिया जाता है। पहला है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट फिल्म, ये 1948 से दी जा रही है। दूसरा आता है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, ये 1948 से 1968 तक दिया गया और फिर 1992 में दोबारा शुरू कर अब तक दिया जा रहा है। फिर है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये 1983 से दी जा रही है। अगली कैटेगरी आती है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये 1980 से दी जा रही है। अगला है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट शॉर्ट एनिमेशन, ये 1990 से दी जा रही है।
अगली कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। 2006 से इस कैटेगरी को चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। फिर है बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, 1948 से 1989 तक दी गई, उसके बाद 2012 से अब तक दी जा रही है। अगली कैटेगरी आती है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये 1968 से दी जा रही है। अगली कैटेगरी की बात करें तो वो है बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ये कैटेगरी 1968 से दी जा रही है। फिर आता है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्शन, जो कि 1968 से दी जा रही है। अगली कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ये कैटेगरी को 1989 से चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। अगली कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, इस कैटेगरी को 1969 से दिया जा रहा है। फिर कैटेगरी आती है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये भी 1969 से दिया जा रहा है। अगली कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट साउंड, इसे भी 1969 से दिया जा रहा है। बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट फिल्म म्यूजिक, इसे भी 1969 से दिया जा रहा है। फिर है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन, इसे भी 1969 में चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। फिर कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, इसे भी 1969 से दिया जा रहा है। अगली कैटेगरी आती है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एडिटिंग, ये कैटेगरी 1978 से दी जा रही है। बाफ्टा अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय ब्रिटिश राइटर, इस कैटेगरी को ये राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी के लिए है, इसे 1998 से चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। फिर है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स, इसे 1983 से चुना गया। अगली कैटेगरी है बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेकअप एंड हेयर, इस कैटेगरी को 1983 में चुना गया। बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट ओरिजिनल्स स्क्रीन प्ले, इस कैटेगरी को 1984 से चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले, इस कैटेगरी को 1984 में चुना गया और अब तक दिया जा रहा है। बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड, ये 2006 में चुना गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल अवार्ड जो कि बाफ्टा फेलोशिप है, ये 1971 से दिया जा रहा है। और द आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा अवार्ड, ये इसे जाना जाता है मिकेल बेलकोन अवार्ड के नाम से, ये 1979 से 2006 तक दिया गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमेज आपको जो दिख रही है बाफ्टा अवार्ड की है। हम ऐसे ही ढेर सारे वीडियो जीके से भरे हुए लाते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक नया इंग्लिश वर्जन चैनल भी स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है वर्ल्ड हब, उसे प्लीज़ देखिए। अगर आप इंग्लिश व्यूअर हैं, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चैनल का लिंक दिया गया है। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।